एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी कैरियर से होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। आज हम देखेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पार्टनर आपको याद करें, थोड़े से मैसेजेस लेंगे साथ और साथ टैरो से भी देखते हैं, ठीक है? क्या है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले हम थोड़े से मैसेजेस को लेते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पे आओ तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से मैच ना करें। तो जितना मैच करेगा उतना लेना, बाकी को आपने लेट गो करना है। ओके, बहुत जल्द करेंगे लाइव सेशन जिसमें मिल जाएगी आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग। ओके, ओके, जो मैसेजेस मेरे पास आए हैं वो है फ़ोन कॉल। हो सकता है आप में से बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते होंगे, आपको फ़ोन करना चाहते होंगे, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते होंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये उन लोगों की रीडिंग मुझे दिख रही है जो मैरिड हैं, बच्चे भी इंक्लूड हैं, एंड अपने हैप्पी फैमिली मोमेंट्स को ये पर्सन मिस कर रहा। ओके, इनसिक्योरिटी भी है इस पर्सन को अ लिटल बिट। ओके, इनसिक्योर भी फील कर रहा है ये पर्सन, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन से कोई जन्म जन्म का रिश्ता है, ऐसी वाइब्स हैं यहाँ पे। ऑलराइट, चलो हम टैरो से देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मैरिड ही पर्सन्स की रीडिंग हो, हो सकता है जो अनमैरिड हैं जो चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप जो है एक हैप्पी फैमिली की तरफ चला जाए, और ये पर्सन हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहा हो किड्स आपके साथ, एंड देन हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहा हो सकता है। ये सेपरेशन आपकी काफ़ी टाइम से है, काफ़ी मंथ्स हो गए हैं आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं हो, तो इस वजह से शायद ऐसे लग रहा है इस पर्सन को कि कहीं आप मूव ऑन ना हो गए हो। ओके, ऐसी वाइब्स भी हैं यहाँ पे। ओके, ज़रूरी नहीं है ये मैरिड पर्सन्स की ही रीडिंग हो, जो अपने पर्सन से मैरिड चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज, ये यकीनन उनकी भी रीडिंग है, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन कोई आम या मेमोली सा मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे दिख रही है आप दोनों की। ओके, चलो अपने पर्सन पे फोकस बनाए रखना, या हम थोड़े से टैरो से भी कार्ड लेते हैं। ओके, देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। जो मैसेजेस पुल आउट हुए हैं उससे तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। देखो, मैनिफेस्ट का कितनी दफ़ा मैंने नाम लिया है, तो कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ हैप्पी मैरिज करना चाह रहा है, आपके साथ आपसे किड्स इस पर्सन को चाहिए। ओके, अपनी लाइफ आपके साथ अच्छी गुजारना चाहता है, एक अबंडेंट फैमिली की तरह। ओके, ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, चाहे आप मेल हो अपने तरीके से लेना, और अगर आप फीमेल्स हो तो इस रीडिंग को अपने तरीके से लेना, ठीक है? देखो, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के दरमियान में जिसमें अभी मुझे वेट दिख रहा है, वेट दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी किसी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में स्टक है। चीज़ें अपने टाइम पे मुझे यहाँ पे ठीक होते हुए दिख रही हैं, जिसमें टाइम रिक्वायर्ड है। फौरी तौर पे चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे अभी ठीक होते हुए नहीं दिख रही, हाँ, बट यहाँ पे आप द मैजिशियंस के कार्ड को मैनिफेस्ट की एक ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो कि आपको जो है अपने लिए नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करना, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है और अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। अट्रैक्ट क्या करना है आपको? हैप्पी फैमिली किड्स। ओके, जैसे आपका पार्टनर कर रहा है। अगर आप लोग मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस सिचुएशन से बर्डन फील कर रहे हैं और
और उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं है, तो नो नो डोंट डू दिस, ओके? आपको ऐसा नहीं करना, आपको होपफुल रहना है क्योंकि ये सिचुएशन बहुत जल्द चेंज होने वाली है, ओके? जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में बहुत जल्द आने वाली है। देखो यहाँ पे क्या है, दो दो हमारे पास मेजर अरकाना के कार्ड है, ओके? मैं बोल रही हूँ कि सिचुएशन आप लोगों की चेंज होने वाली है। द चैरियट, ये पर्सन आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लीड लेंगे, ओके? एंड बॉटम की एनर्जी द एम्प्रेस, आप इनकी दिल की मलका हो। देखो जो आप इन्हें प्यार कर सकते हो ना, वो दुनिया में कोई पर्सन इस पर्सन को प्यार नहीं कर सकता, इसलिए तो यहाँ पे पास टाइम कनेक्शन हमारे पास निकल कर आया है। अमेजिंग रीडिंग है, अमेजिंग एनर्जी है और हाई वाइब्रेशन में यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, ओके? अट्रैक्ट करो अपने पार्टनर को। यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आप में से बहुत सारे लोग आइसोलेशन में हैं या तन्हा हैं, या इन्हें ऐसा लगता है ये अभी कि आप अभी भी क्रॉस रोड पे हो और यही सोचते जा रहे हो कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपको याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं, या ये मूव ऑन हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने इस नेगेटिव एनर्जी से ख़ुद को निकालना है, ओके? देन एवरी थिंग विल बी पॉसिबल इन पॉजिटिव वे, ओके? क्लेम करना इस एनर्जी को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में।